देखिए, विभिन्न थाना क्षेत्रों में बच्चा चोरी की अफवाहें आ रही हैं। ग्रामीणों को हम लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स को लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे तमाम क्षेत्राधिकारी जो भी हैं संबंधित क्षेत्र में जाकर और वहाँ के स्कूलों में और वहाँ के आम नागरिकों को इस बात की सूचना दे रहे हैं किस तरह के अफवाह के झांसे में ना आए। जब तक आप स्वयं घटना को न जानते हों और घटना के बारे में पुलिस जांच आप करवा लें, उसके बाद ही इस तरह की कोई सी अफवाह के झांसे में आए। अफवाह है ये कम्प्लीटली, बच्चा चोरी जैसी कोई वारदात जनपद में नहीं हुई है, ना इस तरह का कोई अपहरण हुआ है। और इस संबंध में जो तहरीर आज हमें प्राप्त हुई है उसकी संपूर्ण जाँच की गई है, संबंधित वीडियो फुटेज दिखवाए गए हैं और वीडियो फुटेज से यह बात स्पष्ट निकल कर आई है कि बच्चा स्वयं अपने एक दोस्त को देखकर दूसरे गेट से बाहर निकल के और आगे की तरफ जा रहा था। वीडियो फुटेज में किसी तरह की किसी अपहरण की बात नहीं आई है। जिन व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं कि उन्होंने घटना देखी, उन व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है, उनके द्वारा भी इस तरह की कोई घटना देखे जाने की बात सामने नहीं आई है। मैं बार बार मीडिया के माध्यम से समस्त बरेली जनपद वासियों से निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि किसी भी दशा में ऐसी अफवाहों को बल ना दें। ऐसी अफवाहों से जन सामान्य के अंदर भय पैदा होता है और कानून व्यवस्था पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप हमारा सहयोग करें, अफवाहों को बल ना दें। तो इस मामले में सूचना दी पहले कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा रही क्या? चूंकि वो एक बच्चे के पिता हैं और उन्होंने अफवाह नहीं फैलाई, बच्चे के बारे में कोई भी अफवाह आती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। हमारी सहानुभूति है उनसे, हमने उनको समझाने का प्रयास किया है, उनको भी हमने ये बात बताई है कि ऐसे अफवाहों के चक्कर में ना आए। ऐसे ही बहेड़ी में एक फकीर थे, उसकी पिटाई हो गई बच्चा चोर समझ के, ऐसी घटनाओं का रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रिएक्शन अफवाहों के चलते लोगों पे हमले हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी कि जिन्होंने जो पिटाई कर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ इस तरह के अफवाहों में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसी अफवाहों के चलते कोई रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह हम इस जिम्मेदारी को निभाएं और इस तरह के अफवाहों के आते ही खंडन करें, उनको बताएं, यदि घटना पुष्ट नहीं है तो अनावश्यक इस तरह की बातों को हम न फैलाएं। कुछ दिन से देखने वाला कि सोशल मीडिया पे लोग इस टाइप के फर्जी मैसेज भेज रहे हैं अफवाह फैलाने वाले, तो क्या उनको भी कोई निगरानी की जाएगी जिससे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? देखिए, यूपी पुलिस की तरफ से और हमारे अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बार बार अपील की जाती है, जब तक किसी पोस्ट को, जब तक किसी फॉरवर्ड को ठीक से जान न लें, उसकी पुष्टि न कर लें, उसको वेरीफाई न कर लें, तब तक उसे फॉरवर्ड ना करें, उसे प्रसारित ना करें। सोशल मीडिया एक गंभीर प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का हमें